हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूँ इरफान। टैक्सीडो सॉल कलर कोड का ये पार्ट टू है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बैक कट करना बताया था और इस वीडियो में हम लोग फ्रंट और साइड पीस कटिंग करना सीख रहे हैं। तो यहाँ नीचे से 3 इंच पे एक मार्क लगाना है ऐसे। और दो तरीका है, एक तरीका ये है कि ये जो मार्क है इस वाले मार्क को आप यहाँ इसमें ऐसे रख लीजिए। ये जो हमने 3 इंच पे मार्क लगाया है इस वाले मार्क में इस मार्क को ऐसे रख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट, और ये सभी मार्क आप लगा लीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि जो हमने ये मार्क लगाया है इसी मार्क को आप लगाकर मार्क लगा लीजिए। तो हमने कितना मार्क लगाया हुआ है, आर्म होल 7.5 इंच पे है, 1.5 इंच ऊपर बैक कटिंग है, 17 इंच पे स्टमक डाउन है और 30 इंच लेंथ है लंबाई। तो इसको यहाँ हम साइड में रखते हैं। तो जो मार्क हमने बैक में लगाया है सेम वही मार्क यहाँ हम फ्रंट में भी लगा लेंगे। तो हमारा लंबाई का मेजरमेंट था 30 इंच, ये 30 इंच ऐसे रख देना है। आर्म होल डाउन हमने किया था 7.5 इंच, 1.5 इंच ऊपर स्टमक डाउन है 17 इंच पे। अब इस वाले मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ साइड से 1 इंच फैब्रिक छोड़कर, 1 इंच कपड़ा छोड़कर इसको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। अब ये सभी मार्क जो है स्ट्रेट कर लेंगे हम। तो इस तरह से मार्क स्ट्रेट करने के बाद यहाँ हम चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी सीना का चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो सीना है 36 इंच, चौथा हिस्सा 9 इंच, 9 चौके 36 सीना में फ्रंट माइनस करेंगे यानी तख्ती माइनस करेंगे 0.25 इंच, 3/4 माइनस कर देंगे। अब ये चौथा हिस्सा है 9 चौके 36, तो यहाँ भी चौथा हिस्सा लगाना है 9 इंच, और यहाँ भी सीना का चौथा हिस्सा लगाना है 9 इंच। अब ये जो हमने 0.25 इंच तख्ती माइनस किया है इस वाले मार्क को ऊपर स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। इस वाले मार्क को यहाँ तक स्ट्रेट करना है। ये जो स्ट्रेट मार्क है तख्ती का मार्क, यहाँ से 0.25 इंच पे मार्क लगाना है और शेप स्केल से यहाँ इसको शेप कर देना है। अब यहाँ हम वेल्स पॉकेट का मार्क लगाएंगे वॉलेट का। तो सीना 36 है, यहाँ से डिस्टेंस रखेंगे 1.5 इंच का, 1.5 से 0.25 इंच डिस्टेंस रख लेना है छोटा साइज में, यानी कि 32, 34, 36 में 1.5 इंच यहाँ से डिस्टेंस रखिए और 36 के बाद यहाँ से 0.25 इंच डिस्टेंस रखिए। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस रखा है पॉकेट का गैप 1.5 इंच, उसके बाद सीना 36 है तो वेल्स पॉकेट बनाएंगे हम इसमें 0.25 इंच का, इसका एक हाफ कर लेंगे यानी 20 सेंटर मार्क लगा लेंगे और यहाँ से ऊपर उठाएंगे 0.5 इंच और यहाँ से 1 इंच, यानी वेल्स पॉकेट का जो चौड़ाई है वो 1 इंच रखेंगे हम। तो ये वेल्स पॉकेट का मार्क हो गया है। अब यहाँ लेंथ का मार्क लगाना है, तो इस वाले मार्क से 0.25 इंच नीचे मार्क लगाना है, यानी कि 3/4 यहाँ नीचे प्लस कर लेना है और मेजरमेंट टेप को ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद यहाँ हम लेंथ का तीसरा हिस्सा करेंगे, यानी जितना भी लेंथ है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो लंबाई है 30 इंच, 30 का तीसरा हिस्सा करेंगे तो 10 तिहाई 30, ये 10 इंच, ये यहाँ से हमने मार्क लगा लिया। ये मैं डबल बटन 2 बटन का मार्क लगा रहा हूँ और यहाँ से दूसरा बटन के लिए मार्क लगाएंगे 4.5 इंच ऊपर। अब यहाँ से 0.5 इंच ऊपर एक मार्क लगा लेना है ऐसे। अब ये जो 20 सेंटर है वेल्स पॉकेट का, इसको हम मेजरमेंट करेंगे इस स्ट्रेट वाले मार्क से, ये जितना है
उतना ही यहाँ रखेंगे और यहाँ मार्क लगा लेंगे और यहाँ से एक इंच अंदर मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम पॉकेट का मार्क लगा लेंगे। तो पॉकेट आप जिस भी स्टाइल का बना रहे हो, मतलब अगर आप क्रॉस बना रहे हो तो ऐसे क्रॉस मार्क लगाना और अगर आपको स्ट्रेट पॉकेट चाहिए तो स्ट्रेट मार्क लगाना। तो यहाँ हम इसको ऐसे मार्क लगा लेंगे और यहाँ से हम इसमें पेट डॉट निकालेंगे आधा इंच, हाफ इंच का, और यहाँ इसको इसमें मिला देना है ऐसे। अब ये वाला जो मार्क है और ये वाला जो मार्क है, यहाँ इसमें क्या करना है, यहाँ से ढाई इंच पे एक मार्क लगाना है और अब यहाँ ये इस मार्क को और इस वाले मार्क में स्केल को ऐसे रख देना है और यहाँ तक मार्क लगाना है, यानी इसको इसमें लाके मिला देना है। ये हमारा टक्स का पॉइंट हो गया, डॉट का सेंटर। अब यहाँ से हम फ्लाप का मार्क लगा लेंगे। तो फ्लाप हम इसमें 1.25 इंच का बनाएंगे, सीना 36 है तो ये 1.25 इंच का फ्लाप। यहाँ इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे सीधा और फिर इसको इसमें मिला देंगे। बॉटम इसमें राउंड आएगा तो फ्लाप को भी राउंड कर देना है। और अब यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क लगाना है और शेप स्केल से इस वाले मार्क तक शेप कर देना है ऐसे। तो अब यहाँ हम लूजिंग का मार्क लगाएंगे। तो कोट में लूजिंग का मार्क कैसे लगाना है, अब ये वाला जो स्ट्रेट मार्क है, सीधा मार्क, अगर आप स्किन फिट कोटिंग कोट कटिंग कर रहे हो, बिल्कुल स्किन वाला टाइट फिटिंग, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग, तब आपको यहाँ से 3 इंच में मार्क लगाना है। अगर आप स्लिम फिट कोट कटिंग कर रहे हो तब यहाँ से आपको 3.5 इंच मार्क लगाना है। और अगर किसी को मीडियम फिट चाहिए, यानी मीडियम फिटिंग के लिए आपको यहाँ से 4 इंच में मार्क लगाना है, और लूज फिटिंग के लिए बहुत ही ढीला ढाला कोट के लिए आपको यहाँ से 4.5 इंच में मार्क लगाना है। तो ये है फिटिंग का फार्मूला। तो यहाँ हम जो कोट कटिंग कर रहे हैं, ये कोट हम मीडियम फिटिंग आपको बता रहे हैं, तो मीडियम फिटिंग कोट के लिए यहाँ से 4 इंच में मार्क लगाना है, 4 इंच। ये 4 इंच पे मार्क लगाकर अब यहाँ से हम हिप को मेजरमेंट कर लेंगे, यानी यहाँ से लेकर ये जो मार्क है इसको हम मेजरमेंट करेंगे। ये जितना भी है यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लेना है और इस वाले मार्क में इसको ऐसे रख देना है। और अब यहाँ से हिप का हाफ मार्क लगाना है, हिप का आधा। तो हिप है 37 इंच, 37 का आधा होगा 18, 18, 36 और 37, 18.5 इंच, 18.5 इंच। ये हिप का हाफ हो गया, हिप का आधा 18.5 इंच। और अब क्या करना है, इसको अब हम यहाँ साइड में रखते हैं। अब इस वाले मार्क को, ये जो स्ट्रेट वाला मार्क है, इसको मेजरमेंट करना है और जितना भी है उतना आपको यहाँ मार्क लगा लेना है और उतना ही आपको यहाँ मार्क लगा लेना है। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, यहाँ पेट में हिप है 37 इंच और पेट है 33 इंच, तो हिप और पेट में 4 इंच का डिस्टेंस है, तो यहाँ 4 का 1/4 हिस्सा कर लेना है। तो 4 इंच का 1/4 हिस्सा करेंगे तो ये होता है 1 इंच, यानी कि हिप में और पेट में जितना डिस्टेंस है उसका 1/4 हिस्सा यहाँ लगा देना है। तो अब ये वाला मार्क कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इंच का 1/4 हिस्सा होता है 1 इंच, तो ये 1 इंच हमने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ स्टमक का मार्क लग चुका है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का लूजिंग का मार्क लगाएंगे, यानी फाइनल मार्क। तो यहाँ से मार्क लगाना है टाइट फिटिंग के लिए 4 इंच पे और मीडियम फिटिंग, यानी स्लिम फिट और मीडियम फिटिंग के लिए आप यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क लगा लो, ठीक है। तो ये 4.5 इंच पे हमने एक मार्क लगा लिया है। अब क्या करना है, यहाँ 2 मार्क है तो ऊपर वाला मार्क भी आप यहाँ तक मेजरमेंट कर सकते हो और ये जो नीचे वाला मार्क है पूरा यहाँ तक मेजरमेंट कर सकते हो। तो चलो यहाँ मैं आपको नीचे वाला जो मार्क है इसको यहाँ तक टोटल मेजरमेंट कर लेना है, ये जितना है। अब ये जो हमने 4.5 इंच में मार्क लगाया हुआ है यहाँ रख देना है और यहाँ चेस्ट का हाफ मार्क लगाना है, यानी कि सीना का आधा। तो सीना है 36 इंच, 36 का आधा करेंगे 18 इंच।
अब दोस्तों ये जो दो मार्क आप यहाँ देख रहे हो, अब इस दोनों मार्क को मेजरमेंट कर लेना है। ये जो डिस्टेंस है यानी ये जो मार्क है टोटल, ये 1.25 इंच पे है, तो अब यहाँ से 1.25 इंच पे लगा देना है। अब दोस्तों क्या करना है, इस मार्क को यहाँ इस वाले मार्क में ऐसे शेप करना है, स्केल को ऐसे पलट के और यहाँ इसमें मार्क लगा देना है ऐसे। अब ये वीडियो मैं पार्ट बाय पार्ट इसलिए बना रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में बैक कटिंग, सेकंड पार्ट में फ्रंट और साइड पीस कटिंग और थर्ड पार्ट में स्लिप का कटिंग बताऊंगा। तो ये वीडियो मैं पार्ट बाय पार्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को अगर आप पार्ट बाय पार्ट देखोगे तो आप कोट का कटिंग करना सीख जाओगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ। तो इस तरह से मार्क लगा लेना है। अब ये जो मार्क है यहाँ शेप स्केल को यहाँ इस वाले मार्क में ऐसे शेप करना है, स्केल को पलट के और यहाँ से यहाँ इसको ऐसे शेप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ जो हमने पेट डॉट निकाला हुआ है ये आधा इंच है, तो यहाँ से आधा इंच ये डाउन कर लेना है। अब यहाँ से इस मार्क को ऐसे लगाकर और यहाँ से इसको ऐसे अब क्या करना है, यहाँ बैक को यहाँ ऐसे रख लेना है, इस तरह से रख लेना है और ये जो मार्क है इस मार्क को यहाँ पर ऐसे लगा लेना है। ये जो मार्क है ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मार्क है ये अपने आप यहाँ इसी वाले मार्क पे आएगा। ये मैं फार्मूला से कटिंग बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ फार्मूला ही फॉलो करना है, सारे मार्क अपनी जगह पर अपने आप आएंगे। अब यहाँ से हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो यहाँ से लगा लो 2.5 इंच और यहाँ से 2 इंच। अब ये जो मार्क हमने लगाया है और यहाँ इस वाले मार्क में इसको मिला देना है, इस मार्क को यहाँ ऐसे लगा देना है और ये जो मार्क है ये इसको कट कर देना है और यहाँ से इसको ऐसे बॉटम राउंड कर देना है, यानी दामन में गोलाई दे देना है। अब दोस्तों यहाँ से हम मार्जिन रखेंगे बॉटम में, तो बैक में हमने मार्जिन रखा था 2 इंच, तो यहाँ फ्रंट में भी मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब दोस्तों यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद इसको हाफ एंड हाफ कर लेना है, बीच सेंटर लगाना है, जैसा कि ये 8.25 है, 8.25 का आधा करेंगे, ये देखो ये 4 इंच एक सूत, और यहाँ से आधा इंच प्लस कर लेंगे, ये हाफ इंच प्लस कर लेना है आगे की तरफ, यानी कि इसको हाफ करना है पहले, ऐसे बीच सेंटर करना है और यहाँ से आधा इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, इस वाले मार्क से 1.25 इंच पे मार्क लगाना है, ये टक्सीडो सॉल कॉलर कोट है, तो अब यहाँ से 1.25 इंच पे ऐसे मार्क लगा लेना है और उसके बाद यहाँ ऊपर जो है 5 इंच, 5.5 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच, 6 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो चलो यहाँ हम तो यहाँ से मैं 6 इंच कपड़ा जो है ऐसे एक्स्ट्रा छोड़ देता हूँ इसमें, तो ये यहाँ से इस वाले मार्क को भी हम ऐसे लगा देते हैं। अब दोस्तों इस वाले मार्क को और यहाँ इस वाले मार्क में ऊपर तक लगाना है, ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पूरा ऊपर तक आप ऐसे लगा लो। और अब यहाँ हमने 1.25 इंच लगाया हुआ है, तो एक मार्क यहाँ से भी 1.25 इंच पे ऐसे लगाकर अब इसको जो है यहाँ इसमें मिला देंगे ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ इस वाले मार्क से 0.5 इंच ऊपर आपको उठाना है, यानी 0.5 इंच ऊपर मार्क लगाना है। अब यहाँ हमने 0.5 इंच ऊपर लगाया है, तो यहाँ हम शोल्डर डाउन करेंगे, तो यहाँ भी 0.5 इंच ऐसे रखना है और शोल्डर डाउन करना है 2 इंच। बैक में हमने शोल्डर डाउन 2 इंच किया था, तो यहाँ भी 2 इंच का शोल्डर डाउन इसे कर लेना है, ठीक है।
इसको मैं स्केल से लगा देता हूँ। ये 2 इंच का हमारा शोल्डर डाउन हो गया, और अब बैक को यहाँ इस वाले मार्क पे ऐसे रख लेना है। अब दोस्तों नॉर्मल जो हम कोट कटिंग करते हैं यानी टक्सीडो को अगर हम छोड़ दें तो SB यानी सिंगल ब्रेस्ट, डबल ब्रेस्ट, प्रिंस कोट, बंद गला कोट जो होता है, तो जितने भी हम लोग कोट कटिंग करते हैं वहाँ हम यहाँ ऐसे रखते हैं और यहाँ पर मार्क लगाते हैं। लेकिन टक्सीडो कोट कॉलर में, सॉल कॉलर कोट में ऐसे नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों टक्सीडो में यहाँ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा, हालांकि मार्जिन सब में जाता है लेकिन ये टक्सीडो का फार्मूला अलग है यानी सॉल कॉलर का फार्मूला अलग है। तो ये देखो ये 1/2 इंच ये जो सिलाई का मार्जिन है, अब इसको यहाँ उठाकर इस वाले मार्क में ऐसे रखना है। ये जो 1/2 इंच यहाँ से, अब यहाँ से ऐसे रखना है, यानी यहाँ से ऐसे नहीं रखना है, ये जो पॉइंट है यहाँ नहीं रखना है, यहाँ से 1/2 इंच मार्क लगा लेना है और अब यहाँ से इसको ऐसे रख देना है, ठीक है। और अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देना है, कम कर देना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का यहाँ बैक में फुलनेस आएगा, धमक आएगा। तो इस तरह से मार्क लगा लेना है और यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क लगा लेना है, और अब शेप स्केल से यहाँ इसको ऐसे शेप करना है, और इस वाले स्केल से इस मार्क से इस मार्क तक, ऐसे लगा लेना है, और यहाँ से जो है ऐसे गोलाई कर देना है। अब दोस्तों यहाँ हम लेपल का मार्क लगाएंगे, तो 36 इंच सीना है तो यहाँ इसमें हम 1/2 इंच, ठीक है, ये 1/2 इंच चौड़ा यानी 1/2 इंच ब्रॉड हम लेपल इसमें बनाएंगे, और यहाँ ऊपर मार्क लगा लेना है 1/2 इंच, यहाँ 1/2 इंच, यहाँ 1/2 और 1/2 लगाकर अब क्या करना है, शेप स्केल को देखो, शेप टक्सीडो सॉल कलर का जो लेपल है इसमें कई तरह का डिजाइन है यानी कई तरह का पैटर्न है, तो यहाँ मैं आपको एक नॉर्मल सा पैटर्न बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या करना है, इस वाले मार्क में यहाँ स्केल को ऐसे रखना है, और ये जो मार्क है यहाँ इसको ऐसे रखना है, ठीक है, इस वाले मार्क तक। अब इसको यहाँ हम एक ऐसे लगा रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल वाला जो रेगुलर होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे बहुत सारे पैटर्न हैं तो अलग अलग वीडियो में मैं आप लोगों को अलग अलग स्टाइल का बताऊँगा। और अब इस वाले मार्क से इस वाले मार्क तक यहाँ इसको ऐसे लगा दो, ठीक है, तो ये देख लो ये हमारा सॉल कॉलर का लेपल का मार्क हो गया है। एक बेसिक सा मार्क मैंने आपको बताया है, अलग अलग वीडियो में अलग अलग स्टाइल का बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ से ये जो 1/2 इंच है यानी यहाँ हम इसको कट करेंगे तो यहाँ सिलाई में मार्जिन जाएगा, तो यहाँ से बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ाना है, यहाँ से एक सूत अंदर लेते हुए आप इसको ऐसे हल्का शेप करो, और फिर इसको यहाँ से ऐसे लाते हुए और यहाँ इसमें ऐसे मिला दो, यानी ये वाला जो साइड पैनल का जो मार्क है इसमें मिला देना है, ऐसे ये वाला मार्क को कट कर देना है, यानी अब इस वाले मार्क में हमारा कटिंग होगा। तो दोस्तों फ्रंट और साइड पीस का मार्क कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के अलावा मेरे और भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इरफान इंडिया वाला, GK सुहाना और सुहाना फैशन स्टूडियो। तीनों यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखने के बाद मेरे अदर यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम दोस्तों इसको कटिंग करेंगे। यहाँ जो है सिलाई का मार्जिन छोड़कर कटिंग करना है, यानी कि 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर आपको ऐसे कट कर लेना है। अब यहाँ भी दोस्तों आपको सिलाई के लिए 1 सेंटीमीटर या फिर 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर कटिंग करना है, यानी जितना सिलाई में मार्जिन आप लोगे उतना यहाँ पर कपड़ा छोड़ के कटिंग करना है। और यहाँ भी 1/2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़कर आपको मार्जिन कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा टक्सीडो सॉल कॉलर का
फ्रंट और साइड पीस भी कटिंग हो चुका है। तो अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में बैक कटिंग करना सीखा है और सेकंड पार्ट में फ्रंट कटिंग करना सीखा है। तो नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट थ्री में मैं आप लोगों को इसका स्लीव बाजू का कटिंग करना बताऊंगा। लिंक मैं वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा। तो ये इसका बैक है और ये फ्रंट और साइड पीस है।